आपके साथ। पूर्णिया में 53 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 33 के नगर प्रखंड के हैं, जबकि 17 मरीज श्रीनगर और 3 जलालगढ़ प्रखंड में पाए गए हैं। इन नए मामलों के साथ ही आंकड़ा बढ़कर 197 पहुंच गया है। लगातार सैंपल जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त पूर्णिया में कुल 197 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसमें से 56 स्वस्थ होकर घर भी लौट गए। ऐसे में कुल एक्टिव केस 141 हैं। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी मरीज क्वारंटीन में थे, इसलिए कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा नहीं है। एहतियातन इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किए गए हैं और सबको आइसोलेशन में रखा गया है। लगातार सैंपल की जांच भी की जा रही है। अभी आज 53 पॉजिटिव केसेज कन्फर्म हुए हैं जिले से, जिसमें 33 केसेज के नगर के क्वारंटीन सेंटर्स हैं। बाकी जो 20 केसेज हैं, जो 17 श्रीनगर से और 3 जलालगढ़ से, ये सभी ऐसे लोगों से पॉजिटिव पाए गए हैं जो बाहर से आए थे और होम क्वारंटीन में रह रहे थे। तो 53 केस जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड का इंडिकेशन नहीं है। जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर से बाहर से कैसे जाए हैं, वहाँ हम लोग नियमानुसार कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कोई संपर्क भी है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे जो हाई रिस्क वाले होंगे उनका भी हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। टोटल कितना केस होंगे? अभी जिले में 197 केसेज हुए हैं, जिसमें से 56 रिकवर हो गए हैं, 141 एक्टिव केसेज।